हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो इस मैंने रिसेंटली वीडियो शेयर किया था कि एक्चुअल में कार का फ्यूल पंप जो है खराब क्यों होता है और किस रीजन से होता है, और मैंने एक टिप भी शेयर किया था, अगर आप उस टिप को फॉलो करोगे तो आपकी गाड़ी का जो फ्यूल पंप है ना वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और तो टिप ये था कि अगर आप अपने गाड़ी के डीजल टैंक या पेट्रोल टैंक में अगर आप ये फ्यूल मेंटेन रख दो ना 5 से 6 लीटर का हमेशा, तो गाइस आपका गाड़ी का जो फ्यूल पंप है ना बहुत लॉन्ग लाइफ रहता है और वो इतने जल्दी खराब नहीं होता। तो गाइस रिसेंटली मेरे एक वीडियो पे कमेंट आया था कि मैंने जो है फ्यूल अपना गाड़ी का टंकी जो एकदम फुल रखता हूँ, उसके बाद ही जो है गाड़ी का फ्यूल पंप बार बार जो है शॉर्ट हो रहा है, डेड हो रहा है, खराब हो रहा है, और वो इतने बार रिप्लेस करके परेशान हो चुका है। तो गाइस मैंने भी अपनी गाड़ी पे बहुत बार फ्यूल पंप रिप्लेस करके परेशान हो चुका हूँ। तो गाइस मेरे को एक आइडिया जो मैंने आपको जो टिप शेयर किया था कि आपको अपनी गाड़ी पे फ्यूल हमेशा जो है 5 से 6 लीटर का मेंटेन करके रखना है, उसके बाद भी जो है एक बंदे का जो फ्यूल पंप बार बार उड़ रहा है। तो मैं बता दूं शेवलेट की जो गाड़ियां हैं उसमें जो सिर्फ ओरिजिनल फ्यूल पंप सपोर्ट करता है, और जो बाकी लोकल फ्यूल पंप डालते हो ना वो जो है तुक्के में चलता है, वो ये है कि कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी जो है चल सकता है। तो इसमें मेरे केस में जो है मैंने भी इसमें जो है लोकल फ्यूल पंप डाल रखा है कि वो ओरिजिनल नहीं है लेकिन वो लोकल भी नहीं है, मतलब कि 2000 रुपये के आसपास का वो फ्यूल पंप है, और उस गाड़ी और इस फ्यूल पंप से मैंने अपनी गाड़ी को कम से कम 5 से 6 किलोमीटर चला रखा है। ऑलरेडी अभी तक मेरी गाड़ी में ऐसा कोई फ्यूल पंप खराब होने का दिक्कत नहीं आया। सो गाइस अगर आपकी गाड़ी ओरिजिनल फ्यूल पंप नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप woodmo.com से ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको woodmo.com से अगर आपको वहाँ से अवेलेबल नहीं हो रहा है तो मैं बताता हूँ आपको जो है क्या चीज़ करना चाहिए। अगर आपको ओरिजिनल फ्यूल पंप नहीं मिल रहा है तो वैसे आप क्या कर सकते हो, इस गाड़ी में जो मारुति स्विफ्ट का जो है फ्यूल पंप लग सकता है, मारुति स्विफ्ट डीजल का। तो वैसे आप किसी भी मारुति डीजल की गाड़ी या मारुति की कोई भी डीजल गाड़ी का फ्यूल पंप आप खरीद लो और उसको जो अपनी गाड़ी पे लगवा लो, क्योंकि इस होता क्या मारुति के जो पार्ट्स हैं टोटली ओरिजिनल होते हैं और वो जो है लोकल पार्ट से काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। अगर आप लोकल फ्यूल पंप लेते हो ना तो आपको जो है 1000 से 1200 रुपये के आसपास जो है लोकल फ्यूल पंप मिलेगा लोकल क्वालिटी का, और बिना ओरिजिनल के अगर अच्छे क्वालिटी का फ्यूल पंप लेते हो ना कोई कंपनी नहीं रहता लेकिन वो अच्छे क्वालिटी का रहता है, वो लगभग आपको 2000 से 2200 रुपये के आसपास जो आपको फ्यूल पंप मिलेगा। बस मेरे मानना ये है कि आप जो हमेशा अपनी गाड़ी पे अगर आपका जो है लोकल फ्यूल पंप खराब हो रहा है तो आप अपनी गाड़ी पे मारुति का जो है फ्यूल पंप डालो, मारुति स्विफ्ट डीजल का हो गया, मारुति अपना बेलेनो जो भी पहले अपना जो डीजल मॉडल्स आया करते थे ना, आप उस गाड़ी का मारुति का ही फ्यूल पंप डालो, अपनी गाड़ी का फ्यूल पंप जो खराब होने की प्रॉब्लम है ना 100% जो है सॉल्व हो जाएगा। तो वैसे अभी मेरे गाड़ी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, मेरे गाड़ी में ओरिजिनल तो नहीं लगा है लेकिन जो अच्छी क्वालिटी का फ्यूल पंप लगा है, क्योंकि इस फ्यूल पंप का जो प्राइस है ना वो 1000 रुपये से 800 रुपये से चालू हो जाता है और वो जो है 2200 रुपये के आसपास तक जाता है। तो वैसे मैंने अपनी गाड़ी पे सबसे टॉप का जो है फ्यूल पंप लगा रखा है, वो ओरिजिनल नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ वो ओरिजिनल नहीं है, लेकिन इस बार अगर मेरी गाड़ी का फ्यूल पंप खराब होता है ना तो मैं क्या करूँगा अपने गाड़ी पे जो मारुति का स्विफ्ट का जो है फ्यूल पंप लगा दूंगा। तो इस मारुति का जो अपना अब फ्यूल पंप डालोगे ना तो अपनी गाड़ी का जो फ्यूल पंप का कपलर है वो मैच नहीं होगा, आपको थोड़ा सा जुगाड़ से लगाना पड़ेगा, लेकिन देख सकते हैं गाइस मैंने इस फ्यूल पंप पे शोल्डरिंग करा रखा है, तो गाइस ऐसा थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा क्योंकि ये अपना मारुति का फ्यूल पंप है, अपना बीट का फ्यूल पंप जो है थोड़ा सा अलग आता है लेकिन बीट का जो आपको ओरिजिनल नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आपको जो ये अल्टरनेटिव तरीका बता रहा हूँ। आपको जो अपनी मारुति स्विफ्ट का डीजल हो गया, बलेनो डीजल हो गया, या जो सियाज डीजल, जो भी डीजल गाड़ी जो अपने मारुति पे आ रही थी ना, आप उस गाड़ी का फ्यूल पंप लेके इस कार पे लगा सकते हो, थोड़ा सा जुगाड़ लगेगा लेकिन गाइस एक बार इसको जुगाड़ करने के बाद आपकी गाड़ी का जो फ्यूल पंप है एकदम लॉन्ग लाइफ हो जाएगा, एकदम कभी भी खराब नहीं होगा। सो ऐसा मारुति की गाड़ी में ऐसा नहीं है कि आप लोकल फ्यूल पंप डालते हो तो गाड़ी का फ्यूल पंप जो है उड़ जाता है, लेकिन ऐसा जो शेवलेट की कार्स में है, आप शेवलेट की खासकर जो बीट डीजल है ना इस गाड़ी में जो ये गाड़ी बार बार अपनी गाड़ी अपना फ्यूल पंप जो है ना उड़ा देती है, पता नहीं किस रीजन से उड़ाती है पता नहीं, लेकिन अगर वही चीज़ अगर आप दूसरे कार्स पे लगाओगे ना चाहे वो लोकली फ्यूल पंप क्यों ना हो बहुत लॉन्ग लाइफ रहता है। तो इस कार का मैंने आपको ट्रिक अपना बता रखा है, अगर आपको जो ओरिजिनल फ्यूल पंप नहीं मिल रहा है तो आप क्या करो सबसे महंगा फ्यूल पंप डालो जो कि 2000 रुपये के आसपास 1800 रुपये के आसपास जो है आपको अपना कार मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको जो है ये फ्यूल पंप नहीं डलाना है तो आप जो है थोड़ा सा जुगाड़ करके अपनी गाड़ी पे मारुति का अपना फ्यूल पंप डला लो, मारुति का फ्यूल पंप डलाने के बाद 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि अपनी गाड़ी का फ्यूल पंप जो है बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो गाइस किसी बंदे ने कमेंट किया था, गाइस मैंने इस कमेंट को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, तो भाई अगर तेरे गाड़ी बार बार ये खराब हो रहा है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं अपने गाड़ी पे मारुति का फ्यूल पंप डाल देना, आपकी गाड़ी का जो ये फ्यूल पंप खराब होने का शॉर्ट होने का या डेड होने का प्रॉब्लम है ना 100% सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस यही शेयर करना था, आज इस वीडियो में सीधा ही, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहता हूँ।